जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये वर्क फाइनल होने में आया है, लेकिन फिर भी हम हर एक चीज को 10 बार चेक करते हैं। ये मोटर है जिसके अंदर स्प्रिंग आर्म इंस्टॉल होने वाला है, तो आप देख सकते हो स्प्रिंग आर्म गया अंदर। अभी ये जितना भी है सब एक्यूरेट के साथ में ही आता है। ये अभी यहाँ पे ऐसे नट बोल्ट लग के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये लेवल में आ जाता है। मोटर भी सेंटर में लगी हुई है। सेम डिस्क ब्रेक माउंट के लिए भी यही स्विंग आर्म लगेगा। उस केस में बस ये जो सेंटर में होल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हम लोग एक डिस्क ब्रेक माउंट का जो प्लेट आता है, मतलब वो भी बना ही नहीं पड़ता है, उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा देते हैं। ये वाला जो है 10 नंबर का, ये तरफ से लगेगा। ये बोल्ट इसको हल्का ग्राइंड करेंगे, ये तरफ से जो बाहर आएगा उसके ऊपर नट लगा देते ताकि इसको फिक्सिंग बहुत स्ट्रांग मिल पाए और उसके अंदर डिस्क ब्रेक का प्लेट माउंट होता है। अभी ये पूरे फाइनल है, बस इनकी साइज हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। फिर भी जो फाइनल है उसमें से कुछ ये रिजेक्शंस निकाले हैं और इनका रिजेक्शन का बस इतना ही प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हो ये डिफरेंस। ये पट्टी के लेवल में 2-2.5 mm का डिफरेंस ऊपर नीचे हो गया है, तो ये अभी वापस मशीन पे सेट होके इनका जो भी ये सैंपल प्लेट्स के मेजरमेंट के हिसाब से उनको लेवल में करेंगे ताकि ड्रम माउंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो फिक्स करते समय, ना ही आपका मोटर इधर उधर एडजस्ट हो पाए। तो ये सब चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग ध्यान, कोई भी प्रोडक्ट अगर डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को तो उस केस में ये करते हैं, ध्यान रखते हैं। ये यहाँ पे अपने बुश लगेंगे जो रेगुलर बाइक में यूज होते हैं, और इसी के साथ फिर ये स्विंग आर्म, ये रस्ट निकलने के बाद में ये रस्ट रिमूवेबल एक स्प्रे आता है, उससे हम लोग रस्टिंग पूरा निकाल के उसको पॉलिश पेपर से क्लीन करके उसके बाद में ही फिर पेंटिंग के लिए लेते हैं। तो पेंट होने के बाद का एक छोटा सा सैंपल वीडियो आपको इसी वीडियो के आगे में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ।